कैसे हैं आप सब सारे के सारे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पूरी दुनिया में जहाँ भी होंगे। और भाई आज है संडे का दिन और शाम का टाइम हो गया है और मेरी एनर्जी देख रहे हो ना, तो एनर्जी आज इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सो गया आज। मैं मतलब काफ़ी टाइम के बाद में मैं इतना ज़्यादा सो गया, मतलब रात को मैंने दबा के खाना खाया, मूवी देखी और फिर सो गया। अभी शाम के बज रहे 5, मतलब ये देखो रात के मैं 11 बजे करीबन सोया और 5 बजे उठा। यार कितने घंटे सोया होगा मेरे को कमेंट करके बताओ यार। जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई इंडिया से जब हम लोग इंडिया के अंदर में होते हैं यार, हम लोगों का प्लान बनता है यार विदेश जाने का, दुबई जाने का, तो हम लोग क्या क्या चीज़ सोचनी चाहिए। मतलब ये वीडियो का जो रहेगा कि भाई हम लोगों को दुबई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मतलब जब मैं था तो मैं क्या सोचता था, मतलब ये सारी चीज़ें आज ये जितना वीडियो रहेगा ये इसी के ऊपर रहेगा कि भाई हम लोगों को दुबई आना चाहिए या नहीं। कैसे हैं आप सब सारे के सारे, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पूरी दुनिया में जहाँ भी होंगे। तो वीडियो करते हैं शुरू कि भाई पहले तो मैं गर्मी का टाइम है और भाई गर्मी में गर्मी की चाय पी रहे हैं भाई, जिस तरह बोलते हैं ना गर्मी को गर्मी काटती है, तो इसलिए मैं कभी कभी चाय पी लेता हूँ। तो भाई आते सीधा मेन टॉपिक पे कि भाई कि हम लोग जब इंडिया के अंदर में होते हैं हम लोगों के माइंड में आता है कि भाई दुबई जाए या नहीं जाए। तो मैं कुछ चीज़ें मतलब जब मैं था मैं भी ये चीज़ें सोचता था कि आप लोगों के जब दुबई आए तो आपके प्लान क्या होने चाहिए। देखो नंबर वन मैं आपको बताता हूँ, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमारा सबसे पहला जो गोल होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कि भाई वो कंट्री सेफ है या नहीं है, मतलब हम उधर पे जाएं हमारी लाइफ को कोई ख़तरा तो नहीं है, सबसे नंबर वन पॉइंट ये होता है। ठीक है, बिल्कुल दुबई में कोई ख़तरा नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो दुबई नंबर वन। नंबर दो आ जाता है कि भाई हम लोग जाएंगे और हमको ईजी से जॉब मिल जाए। ठीक है, ईजी मतलब ये होता है कि मोस्टली जहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो, जॉब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी तो जॉब मिलेगी, चाहे वो एजेंट के थ्रू में मिले चाहे आपको विजिट वीज़ा खुद सर्च करके आके ढूंढ के मिले। ठीक है ना, मतलब सीधी सी बात है, अगर जो कहीं जॉब हो निकलेगी जब भी, तो चाहे कोई एजेंट हो चाहे आप विजिट वीज़ा लेके, जब भी जॉब मिलेगी। तो भाई इसमें भी दुबई जॉब्स हमेशा निकलती रहती हैं दुबई में, हमेशा, मतलब ये समझो कभी दुबई में जॉब नहीं रुकती, हमेशा चलती रहती है। आते जो हर एक बंदा सोचता है कि भाई मुझे मोटे पैसे कमाने, मतलब मुझे पैसा कमाना है ठीक ठाक, और भाई मेरे को दुबई में पैसा है नहीं है। बिल्कुल भाई दुबई में पैसा है, अगर जो आप वाइट कलर जॉब करते हो या आप ब्लू कलर जॉब करते हो तो आपको इंडिया से 3-4 गुना 5 गुना ज़्यादा पैसा दुबई में मिल जाता है। ठीक है ना, उन बंदों की बात बता रहा हूँ जिनको स्किल आते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, कहीं कहीं लाख रुपये महीना मिलते हैं इंडिया के अंदर में। मैं हर एक को नहीं बोलता लेकिन 90% लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, बट इधर पे जिन बंदों को इंजीनियरिंग की जॉब मिलती है वो लाखों रुपए कमाते हैं भाई। ठीक है, चाहे वो अकाउंटेंट है, सीए हो या मैनेजर लोग हो, मतलब जॉब हमेशा रहती है और तगड़ी पैसे वाली जॉब रहती है। 4 नंबर पे आता है, मतलब कुछ टॉपिक मैंने क्लियर किया कि भाई मैं दुबई में फैमिली को लेके आ सकता हूँ नहीं लेकर। बिल्कुल भाई बहुत ईजी होता है दुबई में, अगर जो आपकी सैलरी अच्छी है ना तो आपको फैमिली को लेके आने में कोई इशू नहीं होता, मतलब आप एक वीक के अंदर में अपनी फैमिली को बुला लेते हैं दुबई के अंदर में। मैं फैमिली वीज़ा की बात कर रहा हूँ, मैं विजिट वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप स्पॉन्सर कर सकते हो, एग्जांपल अगर जो किसी की वाइफ दुबई में है तो वह उसकी सैलरी 3-4 हज़ार रुपये महीना है तो अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकती है उसी वीज़े का। स्पॉन्सर का मतलब होता है उसी के वाइफ के हस्बैंड के वीज़े पर उसकी हस्बैंड या वाइफ आ जाते हैं, जो भी मतलब उसका फर्स्ट पर्सन इधर हो सेकेंड पर्सन वो उस पर आ सकता है, अपनी माँ को बाप को किसी को भी स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है, विजिट वीज़ा तो पता ही आप लोगों को मिल जाता है दुबई का, लेकिन अभी वो भी रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस देखे मैंने अभी दुबई में, तो कुछ बंदों के जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं ठीक है तो उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दे रहा है भाई दुबई। बताया कि भाई मैंने 5 साल 10 साल या मैंने मेरे बिजनेस का प्लान है, तो भाई दुबई बिजनेस के लिए मिनिमम बैलेंस से आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो दुबई में। जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में क्या होता है कि आपके पास मिनिमम इतना बैलेंस होना चाहिए, देन यू विल बी स्टार्ट योर बिजनेस, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में आपको छोटे से, मतलब ये समझो यार 5,500 से अपना, मतलब इंडिया के 1 लाख रुपए तक का, जितना मुझे पता है शायद इससे नीचे भी हो सकता है, लेकिन 5,500 दरम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो दुबई में। जगह जगह सिर्फ बैनर लगे रहते हैं, और अब भी एक्सपो के बाद में इतनी सारी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है बिजनेस करने के लिए दुबई में कि बस पूछो ही। अगर जो हम लोग दुबई में कोई भी जॉब करते हैं और हम लोगों ने वो जॉब चेंज करना है तो हम वो भी जॉब चेंज कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई फंडा नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती दुबई में। ठीक है, बस थोड़े रूल एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए। आप रिज़ाइन आप कर सकते हो किसी भी कंट्री को, उसको नोटिस देंगे 30 डेज़ का। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल अगर जो आप एक वो बोलते हैं ना कि पूरा पैकेज है दुबई, ठीक है ना, मतलब एक लाइफ में तो
जो भी आपने लाइफ में करना है वो आप सब कुछ कर सकते हो दुबई के अंदर में। तो ये बोलते हैं ना कि पैकेज है पूरा का पूरा, आप जो भी लाइफ में बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, फैमिली को बुलाना चाहते हो, बस आपकी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो। मतलब एक ड्राइवर बनकर भी अपने फैमिली को रख सकता है यहाँ से दुबई में, ठीक है, चाहे उसके पास सेविंग बचे ना बचे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर जो कोई फैमिली, जैसे एग्जांपल कोई ड्राइवर की 3,000 रुपये 3,500 रुपये सैलरी है, तो मतलब वो अपनी फैमिली को रख सकता है, और मतलब सेविंग उसकी बेचार सेविंग इतनी नहीं होगी, लेकिन उसकी फैमिली, उसकी वाइफ ने जॉब करनी पड़ेगी सेम, तो एक की सैलरी लगती रहेगी, एक की सैलरी बचती रहती है, ऐसा सीन होता है, ठीक है ना। कहीं भी चले जाओ यार, क्योंकि इधर पर एकोमोडेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है दुबई में, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ जो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलती हैं। तो जितना प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू हो गया यार थारानू। और बहुत सारे बंदे मेरे को यूरोप का पार्ट टू बोल रहे हैं बनाने के लिए, कि भाई सर्बिया का पार्ट टू इमिग्रेशन के क्वेश्चन, और वो भी मैं बना के डाल देता हूँ, ठीक है, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, आप लोगों तक बहुत सारी बातें, टेक केयर, बाय बाय।